खुशामदीद नाज़रीन, AS न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का खैर मकदम है। एक नहायत ही खूबसूरत मस्जिद जो शहर हैदराबाद के बीचों बीच मौजूद है, जिसका नाम चार मीनारों वाली मस्जिद है। 5 कमानों वाली इस खूबसूरत मस्जिद को देखने वाला हैरत के मारे देखते ही रह जाता है। फ़न तामीर की शाहकार इस मस्जिद के बारे में आसार खदीमा और माहिरीन तामीरात का कहना है कि फ़न तामीर खूबसूरती और गैर मामूली नक्शो निगार के लिहाज से ये मस्जिद हिंदुस्तान भर में सरफहरिस्त है। हैदराबाद दक्कन की यह शानदार मस्जिद की तामीर 1590 ईस्वी में शुरू हुई। मस्जिद बहुत मुख्तसर है, लेकिन इसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। इस खूबसूरत मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में 44 मुसल्लियों के नमाज अदा करने की गुंजाइश है, जो कि सिर्फ 2 सफ ही बन सकती है। जबकि सहन को मिलाएं तो मस्जिद में जुमला 260 लोग नमाज पढ़ने की गुंजाइश है। ये मस्जिद 160 फीट बुलंद है और इसके मीनारों का इर्तिखा 80 फीट है। अफसोस की बात है कि ऐसी शानदार मस्जिद शहर के बीचों बीच गैर आबाद है, और लेकिन आजकल लोग मस्जिद चार मीनार के सामने ठहर के टिकटॉक बना रहे हैं। मस्जिद चार मीनार के अंदर भी लोग गलत हरकतें करते हुए देखे जा रहे हैं, और जो हमारे वक्त के होम मिनिस्टर हैं महमूद अली साहब, हम उनको दिल से सलाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर इस मस्जिद में लोग फिर से नमाज पढ़ना चाह रहे हैं तो प्रपोजल ला के दीजिए, हम इस मस्जिद को आबाद कराएंगे। सुनिए महमूद अली साहब ने क्या कहा था। और मशहूर चार मीनार जिसके साथ एक मस्जिद जुड़ी हुई है, और दरअसल चार मीनार मस्जिद ही है जिसका हाउस वजू खाना है, उसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी उसे बताया है कि उससे मुत्तसिल जो मंदिर है वो गैरकानूनी है। लेकिन मैं समझता हूँ भैसे मुसलमान और एक हैदराबाद के शहरी होने के नाते कि हम मुसलमानों को उस मस्जिद से मंदिर से कोई भी शिकायत नहीं है, ना वो मंदिर हमारे लिए तकलीफ का बास है, उसे वहीं पर रहने दिया जाना चाहिए। लेकिन जिस बात की अनदेखी की जा रही है और जिस बात के ताल्लुक से किसी की भी जबान नहीं खुल रही है, भले ही वो मुकामी क़यादतें हों या मौजूदा वक्त की हुकूमत, मैं उम्मीद करता हूँ कि मौजूदा वक्त की हुकूमत जो जिसके चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी हैं, जो तेलंगाना के गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं, और आप लोगों को जो उन्होंने ओहदे दिए हैं, ये एक जमहूरियत की एक बेहतरीन मिसाल है, गंगा जमुनी तहजीब की एक बेहतरीन मिसाल है। तो चार मीनार की मस्जिद को आबाद करने के सिलसिले में हुकूमत कितनी संजीदा है, और वो जो 40 मस्जिदें जो बंद पड़ी हैं उसे खोलने के मामले में क्या तहखुन दे सकती है हुकूमत? मसाजिद की बाजाबादकारी का मसला दिल्ली में भी है, जो 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 आसार ये जो आसार कदीमा की मसाजिद हैं उनमें नमाज पढ़ने की बात वहाँ पर भी बहुत कही गई। कुछ मसाजिद में तो ये मसला हल हो गया, लेकिन वहाँ पर भी इसी तरह के मसले हैं। तो ये जो है खुले दिल के साथ, क्या मुल्क के आवाम को भी नहीं सोचना चाहिए कि मस्जिद अल्लाह का घर है और वहाँ आदमी इबादत ही करेगा? तो उसके लिए हुकूमतों को लोगों के दरमियान कुछ इस तरह की सोच पैदा करनी हो जिससे लोग जो है रवादारी कायम हो। मैं बताता हूँ, चार मीनार के ऊपर जो मस्जिद है उसको अभी आबाद करना है, तो आप जाके जरूर नमाज पढ़िए, हुकूमत तो कोई रोकने वाली नहीं है उसके अंदर, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना होता है, क्योंकि चार मीनार पे से कई एक वाकयात हुए, सुनिए उस्मान साहब, जो चार मीनार पे से कई लोग खुदकशी कर चुके हैं, बाजों को चढ़ने लेते नहीं। आप बताए ना प्रपोजल के बारे में, जरूर गौर करेंगे, अगर चालू करना चाहते हैं तो मस्जिद जरूर आप लोग प्रपोजल भेजिए, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से मुझे आप सवाल पास आइए। और जो मस्जिद है हेरिटेज के अंदर जो अगर बंद है, वो आबादी अगर पढ़ना चाहती है मस्जिद कंडीशन, दोबारा एक दिन अगले महीने फिर इनको बुलाएंगे, दोबारा अगले महीने फिर हम करेंगे, और फिर आप जो सवाल है सवाल है। इतनी प्यारी बात हमारे होम मिनिस्टर ने की, उसके बावजूद भी 3 साल हो चुके हैं। अफसोस की बात है कि कोई मुसलमान इस काम के लिए आगे नहीं आए, और हम हैदराबाद के बहुत सारे मुसलमान इस मस्जिद के सामने ठहर के टिकटॉक के वीडियोस बना रहे हैं। ऊपर का फर्स्ट फ्लोर है, खाली है, जहां पर विजिटर्स आते हैं इस कदीम इमारत को देखने के लिए। इसी के साथ बहुत सारे लड़के लड़कियाँ यहाँ पर गलत काम भी कर रहे हैं। वक्त के हुक्मरानों और मुसलमान कायदीन चाहे तो इस मस्जिद को फिर एक बार आबाद किया जा सकता है, लेकिन हमारे कौम के नौजवान तबके की नाहेली और गैर जिम्मेदारी की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। हमारी हुकूमत और मुस्लिम कायदीन से गुजारिश है कि इस मस्जिद को फिर से आबाद किया जाए, ताकि फिर से यहाँ पर अजान की आवाज़ गूंजे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।